नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत है, आप न्यूज़ फॉर निशान देख रहे हैं। हाजिर है हम रोज की तरह मौसम अपडेट लेकर, वेदर अपडेट लेकर। कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम और कैसा रहेगा बिहार का मौसम? बीते दिनों कुछ दिनों से जो है बिहार में कई जिलों में बारिश हो रही, वैसे में मौसम ने करवट लिया। बिहार के लोगों को सुबह और शाम ठंड का एहसास होने लगा। आज धनतेरस और धनतेरस के दिन भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कहा जा रहा है कि कई जिलों में जो है बारिश की संभावना है। क्या कुछ कहता है मौसम विभाग, आइए आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र वैज्ञानिक एस के पटेल के अनुसार आज दक्षिण बिहार के कई जिलों में आसमान में घने बादल मंडराते रहेंगे और कुछ जगहों पर बारिश भी होने की संभावना है। आज धनतेरस है, इस मौके पर लोग बाजार का रुख करेंगे और जमकर खरीदारी भी करेंगे। ऐसे में लोगों की शॉपिंग पर बारिश बाधा बनकर खड़ी हो सकती है। IMD ने बिहार के 19 जिलों में बारिश की संभावना व्यक्त की है। पटना स्थित मौसम विज्ञान की माने तो एस के पटेल के अनुसार आज दक्षिण बिहार के कई जिलों में आसमान में घने बादल मंडराते रहेंगे और कुछ जगहों पर बारिश भी होने की संभावना है। इसके अलावा उत्तरी बिहार के अधिकांश जिलों का मौसम शुष्क बना रहेगा। सुबह के समय ग्रामीण इलाकों में कुहासा और शहरी क्षेत्रों में धुंध देखने को मिल रही है। इस दौरान हवा की क्वालिटी भी लगातार खराब हो रही है। वैज्ञानिक एस के पटेल की माने तो पोस्ट मानसून सीजन का पहला महीना अब गुजरने को है। इस सीजन में पहला चक्रवाती तूफान दाना दस्तक दे चुका है। इसका असर बिहार में भी देखने को मिला, जहां मध्यम हवा और हल्के से मध्यम बारिश देखने को मिली। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में कई चक्रवाती तूफान देखने को मिलते हैं। तापमान की बात करें तो अभी न्यूनतम तापमान अपने सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। नवंबर में तापमान में गिरावट शुरू होगी और दिसंबर तक थोड़ी सर्दी पड़ने लगती है। रबी फसलों के लिए ठंड का होना बेहद जरूरी होता है। आज यानी धनतेरस के दिन बिहार का मौसम मिला जुला रहेगा। हवा की गति सामान्य और दिशा पूर्वा है। आज दक्षिण बिहार के कई जिलों में घने बादल छाए हुए हैं, जबकि उत्तरी बिहार में अधिकांश रूप से बादल छाए रहेंगे। दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। आज सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, पटना, गया, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया जिलों में एक या दो जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। धनतेरस के दिन बिहार की हवा की स्थिति खराब बनी हुई है। पटना की हवा की बात करें तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक स्तर पर पहुंच गई है। आज रात्रि 12:30 पर पटना का AQI 214 था, जबकि नोएडा का 220। अधिकतम AQI के मामले में उस समय पटना देश का दूसरे नंबर पर था। इस समय भागलपुर का 200, पूर्णिया का 176, मुजफ्फरपुर का 173, बेगूसराय 159, सहरसा 143, गया 144 और राजगीर का AQI 105 दर्ज किया गया। हालांकि मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में जो है हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की। आज धनतेरस है, धनतेरस के दिन जो लोग हैं वो खरीदारी करने निकलते हैं, वैसे में कहा जा रहा है कि धनतेरस में बारिश जो है वो खलल डाल सकता है। हालांकि बिहार में मौसम करवट लिया और सुबह शाम बिहार वासियों को जो है ठंड का एहसास होने लगा। हालांकि मौसम विभाग ने अपडेट जारी किया है कि आज भी कई जिलों में जो है बारिश होने की संभावना है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर निशान।